उत्तर भारत के एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति अब्दुल चिड़ा के साथ रहती थी। अब्दुल चिड़ा अपने खेत में एप्पल उगाकर उसे मार्केट में बेचकर अपना गुजारा करता था। एप्पल ले लो, ताजा ताजा मीठा मीठा एप्पल ले लो, एप्पल ले लो, एप्पल। जंगल की सारी पक्षियां अब्दुल से ही एप्पल खरीदता था, क्योंकि अब्दुल का एप्पल बहुत स्वादिष्ट होता था। टोनी, ये लो आज की कमाई। आज की कमाई से ये राशन लेके आया हूँ, इसे जल्दी बनाओ। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी आपको गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। कुछ दिनों बाद टूनी अपने घोंसले में एक खूबसूरत अंडे देती है। टूनी और अब्दुल चिड़ा अंडा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब्दुल जी, अब हमारे वर्षों का इंतजार खत्म हो गए। हाँ टूनी, अब मैं पापा और तुम माँ बन जाओगी। अब्दुल और टूनी आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों के खुशियों का कोई ठिकाना ना था। तभी तेज की बारिश शुरू हो जाती है। टूनी, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम्हें मालूम है ना, तेज बारिश में पेड़ से एप्पल टूट टूट कर गिर जाते हैं। अगर अभी हम एप्पल गार्डन में नहीं गए तो सारा एप्पल बह जाएगा। लेकिन इतनी तेज बारिश में आप कैसे जाएंगे जी? टूनी, इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर अब्दुल बारिश में भीगते भीगते अपने एप्पल की सुरक्षा के लिए चले जाते हैं। बारिश में भीग भीग कर वह एप्पल को पानी से उठा उठा कर सुरक्षित स्थान पर रख रहा था। उसी समय तेज बिजली गिरती है। बिजली की चपेट में आने से अब्दुल चिड़ा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। इधर टूनी अपने पति का इंतजार कर रही होती है। अब्दुल अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ होगा। ऐसा करती हूँ, मैं खुद एप्पल गार्डन में जाके देखती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने पति से मिलने एप्पल गार्डन जाती है। गार्डन में आकर टूनी अपने पति को मरा हुआ पाकर दंग रह जाती है। अब्दुल जी, आपको मैंने मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक बात ना मानी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी के अंडे से एक खूबसूरत बच्चा निकलता है। शुक्र है खुदा तेरा, आपने मुझे जीने का कोई तो सहारा दिया। काश आज अब्दुल जिंदा होता तो मैं कितना खुश होता। समय बीतता गया, दिन गुजरते गए। अब टूनी का बेटा कुछ बड़ा हो गया था। वह अपनी मम्मा से बातें करने लगा था। मम्मा मम्मा, चलो ना ईद का चांद देखते हैं। हाँ बेटा, चलो चांद देखते हैं। फिर दोनों माँ और बेटा चांद देखते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखो, ईद का चांद नजर आ रहा है। हाँ बेटा, कल ईद है। चलो बेटा, अब रात हो गई है, कल सुबह हम ईद मनाएंगे। फिर दोनों घर आ जाते हैं और टूनी का बेटा सो जाता है। कल ईद है, सभी पक्षियों के बच्चे कल नए नए जूते पहनेंगे, पर मैं अपने बेटे को क्या दूंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं अपने सोने के हार को बेच देती हूँ। अगर मैंने अपने बेटे को औरों की तरह नए नए जूते नहीं दिए तो उसे अपने पिता के ना होने का अफसोस होगा और वह दुखी हो जाएगा। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने सोने का हार लेकर बेचने बाजार चली जाती है। हार बेचकर वह अपने बेटे के लिए नए नए जूते लाती है। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। उठो बेटा, सुबह हो गया है, अब ईदगाह जाना है। हाँ माँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा। ये लो बेटा, तुम्हारा नया जूता, इसे पहनकर ईदगाह चले जाओ। अरे वाह, नया जूता, आप कितनी अच्छी हो मम्मा, काश सबको आपकी तरह मम्मी मिले। ठीक है मम्मा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर टूनी का बेटा नए नए जूते पहनकर ईदगाह चला जाता है। ईदगाह में बहुत सारा सामान, खिलौना, मिठाइयाँ बिक रहे थे। सभी चिड़िया तरह तरह के सामान खरीद रहे थे। तभी टूनी का बेटा सोचता है, ये मिठाइयाँ खिलौने कुछ ही देर खुशी दे सकती है, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए, इसे मैं ऐसी चीज खरीदूंगा जिससे देखकर मम्मी खुश हो जाए और घर में उसका यूज भी किया जा सके। हाँ, जब मम्मी रोटी बनाती है तब तवे में उनके हाथ जल जाती है। ऐसा करता हूँ, मैं मम्मा के लिए एक चिमटा ले लेता हूँ जिससे मेरी माँ का हाथ ना जले। यह सोचकर वह चिमटा खरीद कर अपना घर चला जाता है। आ गया बेटा, तुमने आज क्या खरीदा मेरे बेटे? मम्मा, मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैंने ये चिमटा खरीदा ताकि आज से रोटी बनाते समय तुम्हारा हाथ न जले। अपने बेटे की बातें सुनकर टूनी की आंखें भर आती है और वह अपने बेटे को गले लगा लेते हैं।
हृदय नगर के एक घने जंगल में टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी और टुनटुनी सगी बहन की तरह रहती थी। टुनटुनी, चलो ना पास वाले जंगल से घूम के आते हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो गई, चलो जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर दोनों चिड़िया उड़ते उड़ते पास वाले जंगल की ओर रवाना हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों उस जंगल में पहुँच जाती है। फिर दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी टूनी की नज़र सामने एक लीची के बागीचे पर पड़ती है। टुनटुनी, वहाँ देखो कितना सुंदर सुंदर लीची फला हुआ है, चलो ना वहाँ एंजॉय करते हैं। यह कहकर दोनों उस लीची के बागीचे में चली जाती है। अरे वाह, इतना सारा लीची, अब हम रोज यही लीची खाने आएंगे। यह कहकर दोनों लीची खाने लगती है। ए फुलन देवियो, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये किसका लीची गार्डन है? जिसका भी हो उससे तेरा क्या, तुम्हारा तो नहीं है ना? ए छविया, तेरी जुबान बहुत चल रही है। ए लल्लू मेरे लाल, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। छोड़ो ना टुकनी, बेचारे को तुम क्यों तंग कर रही हो? ये तुमको बेचारा नजर आ रहा है, ये एक नंबर का लफंगा है, लफंगा। तभी वहाँ पिट्टू चिड़ा आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिट्टू? तभी पिट्टू की नजर टूनी पर पड़ती है। हेलो दोस्त, कहाँ खो गए? हेलो, चलो टुनटुनी कहीं और चलते हैं। यह कहकर टूनी और टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कौन थी यार ये सब और यहाँ क्या कर रही थी? कौन थी ये तो नहीं मालूम, पर यहाँ लीची खाने आई थी, लेकिन मैंने उसे खाने नहीं दिया। चलो पता करते हैं ये सब कौन है। आप ये क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो आपके लीची बाग का क्या होगा? बाग की छोड़ो, अगर उसका पता नहीं लगा तो मेरा कुछ जरूर हो जाएगा। हाँ अब समझा, यानी आपके दिल में घंटी बज चुकी है, अब चलो यार। यह कहकर दोनों टुनी और टुनटुनी की तलाश में निकल पड़ता है। दूर जाने पर उन्हें वे दोनों चिड़िया एक पेड़ पर बैठी नजर आती है। तब बिट्टू और पिट्टू उन दोनों के पास जाता है। क्या रे लल्लू, फिर क्यों आया? यहाँ माफी मांगने आए हो क्या? ए फुलन देवी, मैं यहाँ माफी और भी मांगने नहीं आया, मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए आया हूँ। बिट्टू खामोश हो जाओ, वैसे आप लोग कौन है? इससे पहले आप लोगों को इस जंगल में कभी देखा तो नहीं? हम लोग पास वाले जंगल से आए। वैसे आप कौन है? आप लोग जिस लीची बाग से लीची खा रही थी वो लीची बाग मेरा ही है। आप लोगों को जब भी लीची खाने का मन करे आप लोग मेरा लीची बाग आ सकते हैं। ए गार्डनर महाराज, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। टुनटुनी, कर रही हूँ ना मैं बात, तुम खामोश रहो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिट्टू है और ये मेरा दोस्त बिट्टू है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनी है और ये मेरी सहेली टुनटुनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है अब हम चलते हैं। यह कहकर पिट्टू और बिट्टू वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद टुनी और टुनटुनी के पास दो चील आ जाता है। क्या रे नन्ही चिड़िया, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग पास वाले जंगल से यहाँ घूमने आए। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगी, क्योंकि हम लोग अब तुम लोगों का बिरयानी बना कर खाएंगे। यह कहकर दोनों चील एक टुनी को और एक टुनटुनी को पकड़ कर उड़ जाती है। दोनों चीलें उड़ते हुए पिट्टू के लीची के बाग होकर गुजर रहा था। तभी टुनी की नज़र पिट्टू पर पड़ी और टुनी पिट्टू को आवाज देने लगी। पिट्टू बचाओ मुझे, बचाओ, चील हम लोगों को खा जाएगी। टुनी की रोने की आवाज सुनकर पिट्टू और बिट्टू अपना अपना पिस्तौल लेकर चील का पीछा करने लगता है। दूर जाकर दोनों चील एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बिट्टू और पिट्टू भी वहाँ पहुँच जाता है। वे दोनों अपना अपना पिस्तौल तान कर बोलता है। देखो चीलो, अगर तुम दोनों सलामती चाहते हो तो टुनी और टुनटुनी को छोड़ दो। हिम्मत है तो चलाओ गोली, लेकिन याद रहे गोली पहले तुम्हारी टुनी और टुनटुनी को लगेगी, फिर बाद में हमें लगेगी। बिट्टू चलाओ गोली, ये लाभ से समझने वाला है, इससे बात करना बेकार है। फिर दोनों अच्छी तरह से निशाना लगाता है और कुछ देर सोचने के बाद दोनों फिर
फिर गोली दोनों चील को जाकर लगती है, जिससे चील वहीं पर गिरकर मर जाता है। धन्यवाद पिट्टू, धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। वैसे भी तुम तो मेरे बोला ना पिट्टू, मैं तुम्हारी भावना समझ रही हूँ। तुम मुझे चाहते हो ना, मैं भी तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। हाँ पिट्टू, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? अरे यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इस तरह टूनी को पिट्टू से और टुंटुनी को बिट्टू से प्यार हो गया। अच्छा पिट्टू, अब हम चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। बस जब हम मिलते ही रहेंगे। यह कहकर वे सभी अपना अपना घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद टुनी और टुंटुनी के शादी का रिश्ता आता है। लड़के वाले टुंटुनी और टुनी को देखने के बाद बोलते हैं, हमें आपकी दोनों बेटी पसंद है। हमें अपने दोनों बेटों के लिए आपकी दोनों बेटियों का रिश्ता मंजूर है। आप लोग लड़का देखने आ सकते हैं। ठीक है बहन जी, हम लोग आपको अपनी राय शाम तक बता देंगे। ठीक है भाई साहब, हम लोग चलते हैं। यह कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। टुनी टुनटुनी बेटी, इधर आओ। देखो बेटी, तुम दोनों अब जवान हो गई हो। अब हमारा फर्ज बनता है कि तुम दोनों की शादी करा दो। और टुनी बेटी, तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारे अपने माँ बाप नहीं है, इसलिए तुम्हारी जल्दी शादी करा रहे हैं। तुम हमारी अपनी बेटी से भी बढ़कर हो। पापा, आप हमारी राय पूछ रहे हैं ना? पापा, हम आपको 2 घंटे बाद अपनी राय बता देंगे। ठीक है बेटी, सोच समझ कर फैसला लेना। फिर कुछ ही देर के बाद टुनी और टुनटुनी पिट्टू और बिट्टू से मिलने निकल पड़ती है। पिट्टू और बिट्टू के पास जाकर टुनी पिट्टू से बोलती है, पिट्टू आप लोगों को हम दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आए। बताओ ना, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि हम दोनों की शादी की रिश्ता आया था। पापा हमसे हमारी राय पूछ रहे थे। हम दोनों ने अपनी राय बताने के लिए 2 घंटे का समय मांगा, ताकि हम दोनों आप दोनों की राय पूछ सके। वैसे आप दोनों की क्या राय है? क्या आप हमें बताएंगे? अरे पगलियो, तुम लोग टेंशन मत लो, रिश्ता हमारे ही घर से गया था। क्या? Oh my God, मैं तो बेकार का टेंशन ले रही। आप जान में जान आई, अब तो सारा टेंशन ही दूर हो गया। ठीक है पिट्टू, अब हम चलते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से अपना घर चली जाती है। टुनी बेटी, मैं तुम दोनों की राय का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पापा, आप हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते आए, हमें इस रिश्ता से इनकार नहीं। बहुत अच्छा मेरी बेटी, हमें तुम दोनों से यही उम्मीद। फिर सभी की सहमति से शादी हो जाती है। फिर टुनी और टुनटुनी शादी करके अपना ससुराल चली।